नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में क्रिकेट को लेकर हुए विवाद में गोली चलने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के मुताबिक खेल के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इसी एक पक्ष ने दौरान गोली चला दी। हजीरा थाना क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में देर रात दो गुटों में उस समय विवाद हुआ जब वहां आपस में क्रिकेट चल रहा था। खेल के दौरान हुए विवाद में एक पक्ष ने गोली चला दी जिससे दो लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों के नाम रविंद्र और मुकुल बताए जा रहे हैं। घायल रविंद्र के मुताबिक उसके पड़ोसी किशन परिहार और पप्पू परिहार ने फायर किए थे, लेकिन पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जाँच कर रही है। मैं रामू सिंह वैस प्लस रविंद्र, मैं घर आ रहा था, पप्पू परियान ने मुझे रोका और गोली मार दी। वो दो जने थे, उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद वजह पता नहीं है, मैं तो घर आ रहा था भाई, भाई पता नहीं है भाई मुझे, मैं तो गोली मार दी, मुझे नहीं पता पप्पू परियान कौन है। मेरा बच्चा उधर से आ रहा था, अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ से आ रहा था। रास्ते में रोक करके, जैसे बच्चे ने बताया मेरे को कि वो पापा मेरे को ऐसे ऐसे रोक के, उसने पप्पू परियार ने और दो लोग थे, वो गोली मार दी। कोई बात बोले, मेरे से कोई बात ही नहीं थी उसकी। क्या विवाद चल रहा है? नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है उससे अपना, जमीने में कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। कहाँ रहते हैं? चार शहर के नागे पर, प्रसाद नगर, प्रसाद नगर, ये गणेश कॉलोनी में रहता है। बिना फालतू गोली, अब इसका कोई हो सकता है भाई, अपन मेरे से रखता हो वो, तो इसलिए कुछ रखा हो। नहीं, कभी नहीं। गोली चलाने की आवाज सुनते ही रविंद्र के साथी मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल ले गए। वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए घायलों के परिजनों से आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने मारी है। अभी यहाँ PHE कॉलोनी में 9 बजे के करीब घर झगड़े की सूचना थी। एक लड्डू गोपाल परिहार हैं, उनके घर के बाहर कुछ युवकों ने आके हंगामा किया और गोली चलने की भी खबर है, ऐसी सूचना है। एक या दो लड़कों को गोली लगी है। अभी हमने आवेदन ले लिया है और उस पर से कार्रवाई कर रहे हैं। घायल कहाँ है? घायल का मालूम चला है। अभी हमारे पास आधिकारिक रूप से किसी अस्पताल से कोई सूचना नहीं आई है कि सारा हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ पे हम फोर्स भेज के उसकी तस्दीक करा रहे हैं। जो इनका लड़का है किशन परियार, उसका एक दिन पूर्व किन्हीं लड़कों से झगड़ा हुआ था खेलते समय, शायद उसी को लेके कोई विवाद है। अभी सभी तथ्यों को जांच में लेके उसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी फैक्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।